कौन है कश्मीर की वो लड़की जिन्होंने जब उत्तराखंड के रहने वाले जुबिन नौटियाल की जुबानी राम भजन सुना तो भगवान राम की भक्ति में डूब गई। कश्मीर की उस लड़की ने पहाड़ी भाषा में ऐसा गाना गाया कि पूरे भारत में अब उसकी हो रही चर्चा। पहले कश्मीर में इंटरमीडिएट की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की वजह से चर्चा में आई और अब राम भजन गाकर भारत का दिल जीत लिया। मड़ी चो खटता टुरका आज चार धाम आए देन, मड़ी राम आए देन अम्मा सीता नाल आए देन, प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनु मान आए देन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़ी कार राम आए देन। भगवान राम के लिए इस लड़की के हर शब्द में गजब की आस्था है। अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को कश्मीर में अपने शब्दों से इस तरह से सजाया कि चर्चा न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे भारत में हो रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में उत्सव मनाया जा रहा है। पूरा देश राम में है, जम्मू कश्मीर भी इसमें पीछे नहीं। यहां भी राम भजन गूंज रहे हैं। घाटी का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लड़की पहाड़ी भाषा में राम भजन गाते नजर आ रही है। इस लड़की को राम भजन गाने की प्रेरणा उत्तराखंड के रहने वाले मशहूर गायक जुबिन नौटियाल के राम भजन से मिली। मैंने YouTube पे जुबिन नौटियाल का एक हिंदी भजन सुना, राम मंदिर पे था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कश्मीर की बेटी का राम भजन वाला ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो में वो कहती नजर आ रही है कि देश 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बनने जा रहा है। पूरे देश में श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। जम्मू कश्मीर भी इसमें किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेगा। वीडियो में पहाड़ी भाषा में राम भजन गाने वाली ये लड़की भारत पाक सीमा रेखा के पास मौजूद उरी के की रहने वाली है। इस छात्रा का नाम बतूल जहरा है। मेरा नाम सईदा बतूल जहरा है और मैं उड़ी बारामूला से हूँ। तो अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, बीए फर्स्ट ईयर। तो जैसा मैंने अपनी एक पहाड़ी लैंग्वेज में राम भजन गाया वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। ये उरी कॉलेज में ही प्रथम वर्ष की छात्रा है। वीडियो में लड़की कहती नजर आ रही है कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का उपवास रखा है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का गवाह बनने जा रहा है। पूरे देश में श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। वीडियो में बैतूल जहरा कहती है कि भजन उन्होंने इसलिए गाया ताकि वो भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। ऐसे भी लोग बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग इस चीज में बहुत पीछे हैं, लेकिन मैं उनको रॉन्ग प्रूफ करना चाहती थी। तो मैंने कहा कि हमारा भी राम मंदिर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे एलजी साहब हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की पूरी सोच बदल दी, पूरा जम्मू कश्मीर बदल दिया। पूरा जम्मू कश्मीर अब स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई। उन्होंने कहा कि हमारे एलजी साहब और पीएम मोदी हमारे जम्मू कश्मीर और यहाँ के लोगों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ के लिए बहुत कुछ किया। बतूल जहरा कहती हैं कि मैं इंडियन हूँ और मुझे अपने वतन से मोहब्बत है। बतूल जहरा ने जुबिन नौटियाल की ओर से गाया एक राम भजन सुना था। उसे सुनने के बाद लगा कि उसी गाने को पहाड़ी भाषा में गाया जाए। इसके बाद उस राम भजन को अपनी भाषा में रिकॉर्ड किया। इसे सुनकर मुस्लिम समुदाय के लोग भी मुझे बधाई दे रहे हैं। बतूल जहरा ने इस्लामी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला जिसने उन्हें राम भजन गाने के लिए प्रोत्साहित किया। और जो मैं सैयद कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो जो हमारे जो बड़े हैं हमें उन्होंने हमें ये सिखाया है, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, उनका ये फरमान है कि जो जो एक इंसान है उसे अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए। तो मैं इंडियन हूँ इसीलिए मुझे अपने वतन से मोहब्बत है, इंडिया के लोगों से मोहब्बत है। शुक्रिया। उन्होंने कहा कि सैयद समुदाय से आती हूँ, इमाम हुसैन ने हमें अपने राष्ट्र से प्यार करना सिखाया, सभी समुदाय के लोग हमारे भाई बहन हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हिंदुओं का सम्मान करना चाहिए और हिंदुओं को भी ऐसा ही करना चाहिए। बतूल जहरा ने कहा कि राम अपने गुणों के कारण मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ थे और वो न्याय और अच्छे आचरण का भी प्रतीक थे। मड़ी चो खटता टुरका आज चार धाम आए देन, मड़ी राम आए देन अम्मा सीता नाल आए देन, प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनु मान आए देन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़ी कार राम आए देन।